आज का हमारा टॉपिक है त्रिविमीय ज्यामिति। इसके पहले हमने दो बिंदु के बीच के डायरेक्शन को कैसे निकाला जाता है उस पर बात किया है। ठीक है, आज हम यहाँ पे देखेंगे कि दिक् अनुपात और दिक्कोज्या। सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे, तो दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखियो, जो हमने इसके पहले 3D पढ़ा था, तो सपोज मैंने एक 3D ले लिया है। ठीक है, ये एक हमारा 3D है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई और ये है जेड एक्सिस। मैंने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ले लिया है, जैसे कि मैंने एक लाइन ले लिया है एल, तो ये हमारा ओरिजिन है। तो मैं इसको मान लेती हूँ ओ पॉइंट और ये पॉइंट को मान लेती हूँ पी। जो ओरिजिन है ना, उसका ये है कोऑर्डिनेट, ये 0 0 0 कोऑर्डिनेट है, और जो बिंदु पी है उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिया है एक्स वाई एंड जेड। अब यहाँ पर देखिए कि जो बिंदु एल है वहाँ से, है ना, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया, यानी कि इस ओ पी लाइन। अब इन दोनों की जो बीच की दूरी है मैंने क्या मान लिया, आर मान लिया, है ना। तो यहाँ से अपन इसको बोल सकते हैं कि ओ पी इक्वल है किसके, आर, और ये इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड का स्क्वायर। ये क्लियर। अब यहाँ पर देखो कि ये जो पॉइंट है, इस पर अगर मैं इस रेखा पर एंगल बनाऊँ, तो जो एक्स एक्सिस है ना, तो उस पर जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा बीटा, और ये बन जाएगा हमारा गामा जेड पर। ठीक है, तो एक्स वाई जेड हमारे पास जो एंगल बनते हैं ना, किस पर, एल लाइन पर, और अगर हम इस पर इस एंगल पर किसकी वैल्यू लें, कॉस की, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो कि ये तीनों क्या जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन किस पर, रेखा एल पर, है ना। वैसे ही अगर हम अनुपात की बात करें, है ना, तो ये जो दोनों पॉइंट हैं ओ से पी, है, तो जो ओ पी पॉइंट है उस पर प्रोपोजिशन निकालेंगे, एक्स एक्सिस पर प्रोपोजिशन निकालेंगे वाई पर एंड जेड पर, तो हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा क्या, एक्स वाई एंड जेड, ये चीज़ मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिक् रेखा एल पर दिक् अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं, हमको देखो यहाँ से हमारे पास लेंथ है एल, ठीक है, और हमको दे दिया गया है क्या, एंगल, तो अपन ये निकाल सकते हैं कॉस अल्फा की वैल्यू, ये हो जाएगी एक्स अपॉन आर, कॉस बीटा की वैल्यू हो जाएगी वाई अपॉन आर, एंड कॉस गामा की वैल्यू हो जाएगी जेड अपॉन आर। अब आगे देखो, दिक्कोज्या में संबंध है ना, तो दिक्कोज्या क्या क्या है हमारे पास, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये था। अब हमको निकालना है क्या, संबंध निकालना है। ठीक है, दिक्कोज्याओं का संबंध, तो इसकी वैल्यू हमको पता है क्या है, ये है इसका स्क्वायर प्लस वाई अपॉन आर का स्क्वायर प्लस क्या जाएगा, जेड अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, इसको लिखेंगे एक्स का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए कि जो आर है वो सब में कॉमन है, तो कॉमन निकाल लो, आर का स्क्वायर, ऊपर बचेगा एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर एंड जेड का स्क्वायर। इसके पहले हमने पढ़ा है कि जो आर होता है, आर है ना, ओ पी इज इक्वल्स टू आर एंड आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये हमने पढ़ रखा है। वहाँ से हम लेंगे आर का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, तो अपन हमको क्या मिलेगा, वन मिलेगा। यहाँ से क्लियर कि जो ये डायरेक्शन कोसाइंस की जो वैल्यू हो, डायरेक्शन कोसाइंस का आपस में संबंध होता है वो क्या होता है कि कॉस का कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू वन, ये हमारा क्या होता है, इन तीनों के बीच में संबंध होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस साइन को हम लोग चेंज करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि कॉस अल्फा की जगह पे एम, कॉस बीटा की जगह पे एम, है ना, और इसकी जगह पे एन, ये लिख सकते हैं। तो एल का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर प्लस
एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब आगे आइए, व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो। अगर हम डायरेक्शन रेशियो की बात करें,